एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे सिम्टम्स जिससे आप आसानी से घर में प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही किसी भी लेडी के पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है, क्या मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। तो पीरियड मिस होना प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण माना जाता है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं, तो इसके लिए वीडियो को स्किप ना करें, आगे तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पीरियड्स का मिस हो जाना प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण तो है, लेकिन हम प्रेगनेंसी को कन्फर्म कैसे करेंगे? घर में हैं, अगर हमने मान लो प्लानिंग की है, अगर हमें लग रहा है कि हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं इस बार, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं? तो देखिए, जैसे ही कोई भी लेडी कंसीव करती है तो कंसीव करने के बाद उसकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे। अब मतलब जो भी लेडी कंसीव करेगी उसको अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस दिखाई देंगे, तो उसके बारे में हमें जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। ख़ासकर जो लेडीज़ फर्स्ट टाइम अब कंसीव करती हैं तो उनको नहीं पता होता है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को स्किप करना बिल्कुल ना करें। तो देखिए, प्रेग्नेंट होते ही आपके अंदर HCG का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनोड्रोपिन, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, काफ़ी सारे हार्मोन्स आपके अंदर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे कि प्रेग्नेंट होते ही आपका सबसे पहला आपका होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, तो ये जो होती है, देखिए मेरे पास क्वेरीज आती हैं इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत सारी लेडीज़ को नहीं होती है और बहुत सारी लेडीज़ को होती है, मतलब आप मान लीजिए कि 50 अगर 60% लेडीज़ को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है तो 40% लेडीज़ को नहीं होती। हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो हर किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो नहीं होती है। तो इस लक्षण में आपका सबसे पहला जो हुआ है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी कि जैसे मान लीजिए आफ्टर इंटरकोर्स आपके इंटीमेट के बाद आपके जो है आपका जो ओवुलेशन टाइम है, यानी कि आपका जो फर्टाइल डेज है, मान लीजिए आपने कंसीव करने की प्लानिंग की है, अपने फर्टाइल डेज में इंटीमेट हुए हैं, तो उसके कम से कम 1 वीक बाद आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है मोस्टली आपके पीरियड्स टाइम पर होती है, जिसमें बहुत सारी लेडीज़ कन्फ्यूज हो जाती हैं कि उनको पीरियड्स तो नहीं हो गए हैं। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को पहचानने का जो है, ये ब्लीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन होती है, ज़्यादातर एक ही दिन होती है, और इसमें क्या होता है, इसको पहचान आप आसानी से सकते हैं, क्योंकि पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होती है वो लगातार आपका फ्लो बना रहता है, लेकिन जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है इसमें आपका जो फ्लो होता है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद, फ्लो तो होता ही नहीं है क्योंकि स्पॉट्स आते हैं और इसमें आपको पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ कंफ्यूज होती हैं कि मैम हमें एक दिन पीरियड्स आए हैं तो क्या वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, तो नहीं, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है लगातार आपका फ्लो नहीं होता है, आपको रुक रुक कर हल्की हल्का स्पॉट्स आते हैं जिसमें आपको पैड की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो जैसे ही आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है तो आपका इसका मतलब है आप प्रेग्नेंट हैं। तो इस ब्लीडिंग को एक तो इससे पहचान सकते हैं, दूसरा इसका कलर जो होता है वो थोड़ा पिंकिश कलर होता है, रेड कलर होता है, क्योंकि जो पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसका थोड़ा डार्क ब्राउन कलर होता है, तो आप इसके कलर से पहचान सकती हैं और इसके टाइमिंग्स आप पहचान सकती हैं कि आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर आपके पीरियड्स हैं। तो सबसे पहला आपका मैंने डाउट क्लियर कर दिया है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। दूसरी चीज़ आपका होती है प्रेग्नेंट होते ही पीरियड मिस होना, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन पीरियड मिस होने से पहले आपको एक तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाते, मतलब हार्मोन्स फ्लैक्चुएट होते हैं, तो इसकी वजह से आपका जो पेट की पाचन क्रिया है वो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो बहुत सारी लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन होता है और बहुत सारी लेडीज़ को लूज़ मोशन होते हैं, पेट दर्द के साथ आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं, तो ये प्रेगनेंसी का सिम्टम है। इसके अलावा आपको नंबर 3 आपको नोज़िया फील हो सकता है, जैसे कि मतलब वोमिटिंग जैसा आपको फील हो सकता है, और आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा, मतलब लेडीज़ को ज़्यादातर देखा गया है, बहुत सारी लेडीज़ को मूड स्विंग्स होते हैं, तो मूड स्विंग्स होना। इसके अलावा आपको जब आप कंसीव कर लेती हैं, आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं इम्प्लांटेशन के बाद,
आपको चक्कर जैसा फील हो सकता है, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा होता है वीकनेस, आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये प्रेगनेंसी का सिम्टम है। इसके अलावा आपको क्या होता है, आपको फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन स्टार्ट, मतलब आपको बार बार ऐसा लगता है जैसे यूरिन के लिए आपको जाना है, तो ये प्रेगनेंसी का लक्षण है। इसके अलावा ज़्यादातर लेडीज़ में जो देखा गया है ब्रेस्ट टेंडरनेस, आपको ब्रेस्ट में थोड़ी प्रिकिंग सी फील हो सकती है और दर्द फील हो सकता है प्रेगनेंसी कंसीव करते ही आपको, और तो ये प्रेगनेंसी का बहुत ज़्यादातर लेडीज़ में देखा गया है ब्रेस्ट टेंडरनेस, ये आपको हो सकती है। इसके अलावा जो होता है, आप प्रेग्नेंट होते ही आपको थोड़ा आपका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा हल्का सा बढ़, मतलब शाम के टाइम आपको फीवर जैसा, मतलब आपको बॉडी थोड़ी गर्म फील हो सकती है, तो ये प्रेगनेंसी के लक्षण हैं ये सब। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी, आपको नींद भी बहुत ज़्यादा आएगी, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स हैं। अगर आपको ये सारे पीरियड्स मिस हो गए हैं और इसके साथ साथ ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगा सकती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपको लगाना कब है ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कम से कम पीरियड डेट के 5 दिन के बाद लगाना चाहिए, जिससे आपका प्रेगनेंसी टेस्ट बिल्कुल ठीक, आपका रिजल्ट जो आएगा वो ठीक आएगा। क्योंकि जो बहुत सारी लेडीज़ क्या होती हैं, जैसे ही उनके पीरियड मिस हो जाते हैं उससे नेक्स्ट डे प्रेगनेंसी टेस्ट लगा लेती हैं, और फिर वो बोलती हैं कि हमारी तो एक लाइन बहुत हल्की आ रही है और एक लाइन हमारी आ रही है और दूसरी लाइन जो है बहुत ज़्यादा हल्की पिंक है। तो क्या होता है, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके यूरिन में क्या है, HCG का लेवल बढ़ जाता है। तो HCG का लेवल जो किट होती है, जो किट जो डिटेक्ट करती है, वो HCG को डिटेक्ट करती है कि आपके यूरिन में HCG है या फिर नहीं है, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनोड्रोपिन, ये जो हार्मोन है आपके जो किट है वो डिटेक्ट करती है। तो क्या होता है, जैसे ही सबसे शुरुआती दिनों में अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट लगाती हैं तो आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाता है, या फिर आपकी एक लाइन बहुत डार्क और एक लाइन बहुत हल्की आती है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो HCG का लेवल आपके जो यूरिन में है वो शुरुआती दिनों में इतना कम होता है कि आपकी किट डिटेक्ट नहीं कर पाती है, और आपकी कई बार ऐसा होता है एक डार्क लाइन और एक बहुत हल्की लाइन उसमें दिखाई देती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट बिल्कुल ठीक चाहिए तो कम से कम 5 दिन का आपको वेट करना है। 5 दिन का वेट करने के बाद ही आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगाएं। इसके अलावा अगर आपका फिर भी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, या एक डार्क लाइन और एक बहुत हल्की लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो आप लैब से जा करके beta HCG टेस्ट करा सकती हैं। इससे आपको बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा कि आपके कितने दिन की प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी है भी या नहीं है। तो ये चीज़ें आप कर सकती हैं। और दूसरी चीज़, मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में वीडियो बनाई हुई है, आप आसानी से देख सकती हैं किस तरीके से आपको करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन कैसे कैसे आपको करना है और कब करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।